चीज़ वो है कि चित्त की वृत्तियों को साफ करने का कारण। चित्त की वृत्तियों में तरह तरह की बातें सुनी, देखी, पढ़ी, देखी, याद है और वो आ जाती है, और उनका कनेक्शन है उनका सब कंशियस माइंड के अंदर, जो सुनी है बात, जो देखी है बात, जो भूल गया नहीं, जो गौर कराया वो तो गई, जिस बात को गौर कर लिया दो तीन बार वो संस्कार बढ़ गया और वो सब कंशियस माइंड में रहती, वो सिर्फ माइंड में रहती। तो योग का तो यह है कि यहाँ पर वो चित्त की वृत्तियों का जो घटिया बढ़िया संस्कार है बस सब निकालना पड़ते हैं, तब ये चित्त साफ होता है। चित्त साफ होने की गया तरह तरह के विचार, अच्छे बुरे जो सोचा ना वो संस्कार बन गया, और वो संस्कार जो है वो सब कहीं गए नहीं, अलग देखा नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर है। इसी जगह पर इसी अवस्था यहाँ पर जब बैठे, अब उन चीज़ों को जब इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे वो, और इकट्ठा होने के बाद वो सब के सब डिलीट होते हैं। इकट्ठा हो गया तो इसका मतलब डिलीट हो गया, आप कहते हैं डिलीट बढ़ गया तो डिलीट हो जाते हैं वो इकट्ठा होने से, जब डिलीट हो जाते हैं तो मन अड़का हो जाता है। इसे चित्त की वृत्तियों का जो संस्कार है वो अड़का करने के लिए योगा से, योगा से चित्तवृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को घटिया बढ़िया जितने संस्कार हैं उन सबसे खाली करना, यानी मतलब बिल्कुल साफ करना, चित्त की वृत्ति जो है वो बिल्कुल से एकदम साफ करना योग का ध्येय है। क्योंकि बगैर इसके साफ किए आगे की मंजिल नहीं, रास्ते रोड़े रोड़े हैं, रास्ता खराब है, सड़क बहुत खराब है, कूटला पड़ा है, कड़ा कड़ा पड़ा है, उसको साफ करना जरूरी है तब गाड़ी चलेंगे। तो ये सूरज की जो गाड़ी है, स्पिरिट की ये जो सफर करेगी आगे, ये चित्त की वृत्ति सीधे से सूरज चलेगी सब जगह से वापस उल्टी करेंगे ना, उल्टा नाम जपत जानी आदमी को उल्टा नाम का तो उल्टा चलेंगे। एक तो मतलब नीचे का तो आपको बताया रचना भेद के अंदर, फिर यह आती है, फिर यह आती है, फिर यह आती है, फिर यहाँ सब लोग आती है, फिर उल्टी आती है, फिर और नीचे की तरफ आ जाती है, और इधर नीचे आकर के फिर वाल में फिर सत्थुल जो सूक्ष्म था ज्ञान वो सत्थुल में बदल जाता है। सूक्ष्म जो थी बात सत्थुल में आती है, सत्थुल में क्या आता है कि पता जीव पता हो जाता है। तो उसकी चार खान बता दें कि चार खान चौपड़ जैसे रचा, चार खान बढ़ा दी, अंडे की अंडे से पता होना, जेर की जेर से पता देख ले तो जेर से पता, और फिर होता था उद्भिजी, इसका मतलब बहुत सबसे पैदा होता है, और फिर और गर्मी सर्दी से ढूंढना पड़ती है नहीं, पसीने वगैरह पसीने पैदा होते हैं। तो ये चार खान है, और यहाँ पर आके सतूल सारा होता है, और ये फिर आने के बाद चार खान में फंस के और चौरासी के चक्कर में आ जाता है जीव यहाँ पर, फिर वो चक्कर रहता है, मरता है, जीता वो संस्कार फिर आ जाता है, फिर जीता या खेल में आ गया। तो जीव खुद नहीं आया, अब वो तो अलग है समझाने के लिए, वो ये खेल में आ जाता है और ये उस चक्कर में लग जाता है, आना जाना उसके ऊपर जैसे सोचा वैसे ही फिर हो जाता है, फिर हो जाता है, ये कर्म से लग जाता है तो भोगने के फिर आ जाता है, फिर खत्म, फिर नया बन जाते हैं, फिर अब भोगने आ जाता है। तो ये इसका चक्कर है, इसको चौरासी का चक्कर कहते हैं, आवागमन का चक्कर कहते हैं, इस चक्कर में फंस जाता है। तो किस लिए है वो योग, सहजयोग होता है हमने कि ये योग सहज का है, अपना अनुभव करना है, ये योग सहज का है, ये खिंचा ताड़ी का नहीं है, ये खिंचा ताड़ी हठ योग है, कमर काबू को नहीं आता मेरा तो पसीना जाता खड़ा रहता हूँ, मेरे तंदुरुस्ती ठीक होनी हो तो मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ, ये करता हूँ, मेरा वो वजन हड़का हो जाए, वजन हड़का करने का एम कुछ और है, और वो बढ़ेगा जो वाजा दौड़ेगा खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जब भूख ज़्यादा बढ़ेगी अब भूख ज़्यादा बढ़ेगी वजन ज़्यादा बढ़ेगा, वो तो कम करने की कोशिश करता है, चार पाउंड कम कर दिया आपके, वो चार पाउंड कम करने गया वो ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़िया बन गया और बढ़ा दिया वो, जिसे रोज तो कर दे इसका भाया, जिसे छोड़ेगा उसी ने बढ़ना छोड़ जाएगा, समझा नहीं बात। तो बात यह कि ये जो योग है इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, इसमें करना ही नहीं पड़ता, क्या करना है कि योगा से चित्तवृत्ति जो चित्त की वृत्तियों को ठीक करना है। कैसे होंगे, एकाग्रता से, एकाग्र इसको समेट को सूरत को यहाँ से खींच के लाओगे तो यहाँ आ जाएगा, तो रमी हुई चीज़ है सब की सब यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी,
और पुट्ठे का नहीं होकर जू इकट्ठी हुई और इसके फिर अपना आप डिलीट हो जाती, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, डिलीट यस तो डिलीट हो जाती। इसका मतलब जो कुछ पीछे कमजोरी दबी हुई थी, जो याददाश्त दबी हुई थी, जो पीछे की पछिया बुरी जो कर्म बने हुए थे वो यहाँ पर डिलीट हो जाते। ये चीज़ की होती है कि रास्ता साफ हो जाता है और ये सहज है, ये सहज का मतलब सहज में आती है चीज़, मंत्र नहीं करना पड़ता। आज मंत करता है वो खेचा नहीं करता, उसका हठ योग नाम है। योग ना योग तो वो भी है, वो हठ योग है कि पानी में खड़ा रहता है, एक टांग पानी में खड़ा रहता है, मन कबू को दिया इससे करता हूँ, एक टांग पानी खड़ा दर्द होता है तो खड़े रहता हूँ, हर कोई कुछ करता को कुछ करता को जंगल में चलता है, कौन पार्ट जंगल चाहिए तो कोई बात सुनेगा नहीं, न बांसने जय बांसरी कितने टाइम के लिए इतनी देर के लिए, और जो पीछे का समय हमारा पीछे वह रह गया हो, और जब द्वारा आएगा मेरे में अगर रहा था सब चौदह साल रहा, 14 साल में कोई चीज़ संस्कार आया ही नहीं, तो सभी अवश्य मैं महात्मा बन गया हूँ, सभी साथ दिया करता हूँ, साधु था जंगल में चला गया 14 साल, 14 साल रह करिए कुंभ का से मेला था कैसे पुण्य पुण्य कर में मर सकता हूँ, तो वहाँ से रह गया, वहाँ जाके देख रह गया भागा दौड़ी हो जाए, तो उसका गुस्सा खासा खत्म हो गया, उसमें कुछ समझता भी नहीं है, जंगलों की लड़ाई खर्चाता नहीं थी, और वहाँ गया तो फिर वहाँ का असर पड़ा वातावरण का, क्या असर पड़ा, कोई आदमी जा रहा था और पुराना ठेरिया ऊपर तो मुँह था और भाजे जा रहा था, तो उसका पैर जा गया, उसके पैर फूट गया, भाजे जा रहा था फट गुस्सा गया महात्मा जी को और बस पकड़ गया, क्या समझा था मेरे को, कहे सर गुस्सा छूट गया मेरा, किसा कुछ रहा मेरे को कहाँ से आ गया, आगे बती आगे भूजी मत जानिए तभी है राख में माड़ा रिनी हाथ, ये दो है उसका बाजी का, आग भूजी मत जानिए तभी है राख में माड़ा रिनी हाथ और कतरनी काख में, और बोले साध की बोल ढोका मोड़ जो साध अलख दे अलख दे राम राम हे राम हे राम, बोले बोले साध की चार चले साध की चाल ढोका मोड़ जो, और कहे बाजी नहीं यहाँ पर वो कुछ कहे ऐसा ऐसा कुछ भोग दुआ भोग है, तो बात यह बहुत तो चीज़ है वो थोड़ी देर के लिए दबगी, और ये सहयोग जंगल में जाने की जरूरत को नहीं, वो यहीं पर गुरु बता देता क्या तुम मन को इकट्ठा करा कर इस तरह से या इस चीज़ पर राम राम कर दिया या और चीज़ कर दिया, जब तेरा मन मन इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो दबे संस्कार जो हैं पीछे के रास्ते साफ तेरे मन से साफ होते जाएंगे, तो ये रोकने के लिए है, इस कब्र के रास्ता साफ हो गया फिर आगे सर, तो योगा से चित्तवृत्ति निरोध है, और वो जो योग जो क्या सहज योग है पूछ कर सहज योग नाम से, सहज का मतलब सहज ही सहज में आ जाता है, आसान भी ना मन परिश्रम करे तो वो योग है, तो ये आत्मज्ञान जो है सहज योग है, जैसे सांस तो लेता है अपना आप आता रहता है, और बीमारी होती है सांस आना चौकी होती है, तो जब तंदुरुस्त है तो सहज में आता है, और तेरे को पता ही नहीं कि मैं सांस ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, पता ही नहीं सांस ले रहा है, सोया भी ले रहा है, भागता भी ले रहा है, जागता भी ले रहा है, हंसता भी ले रहा है, ये सब कुछ करते सांस चल रहा है सहज में, तो ये सहज योग है, समझेगा नहीं, ये परमात्मा को सब मानना सहज योग है, सहज में आता है, तो आखिरी टॉप का साधन बताता हूँ, अगर कभी कहता है सहज ही दून होता है हरदम घटिए वहीं सहज ही होती है वो गए, और सूरत से मेरा वह क्या देते हैं कि सूरत जो है वह उसके साथ मिल गई या बोलने वाली चीज़ है या सूरत है या शब्द के साथ मिल गया ऐसे सहज दोनों से हरदम घटिए वहीं सूरत शब्द मेरा वह सूरत और शब्द मिल गए दोनों यहाँ से, और कहते हैं मुँह क्या देते हैं राम 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 करेंगे बस योग से मन इकट्ठा हो गया हर साफ है, और वो बीच जितनी दबी हुई जितनी चीज़ें वो नहीं, और वो दबी हुई है तो भाया ध्यान से भी करेगा वह चीज़ आगे जाएगी, इसलिए ये चीज़ सहज योग होता है, इसको समझे ना आप, तो परमात्मा का नाम पढ़ेंगे ताकत की चीज़ नहीं सहज का रास्ता है, और ये जरूरी है अपने किस लिए है ये योग, ये मन में दबे हुए संस्कारों को निकाल के डिलीट करने का काम है योग, ऐसे चित्तवृत्ति निरोध है इन उसको साफ,
योगा से चित्तवृत्ति निरोध है। किसी योग से यही है कि वो चित्त की वृत्तियाँ जो इससे इकट्ठा होने से वो एक जगह इकट्ठी होती है, डिलीट डिलीट डिलीट, इस काम के लिए मंजिल नहीं है। अगर ये करते रहे आप बिल्कुल योग तो ठीक है, यहाँ करते रहे अगर सफर नहीं होगा आपका, तो ये सिर्फ इसीलिए इस काम के लिए है कि चित्त की वृत्तियाँ साफ करने के लिए। चित्त की साथ होगी फिर करना क्या, रास्ता सीधा और जो साथ थी फिर क्या एक्सरसाइज वाले ये ज्ञान जब मैं करता हूँ वो ताकत लगती कहीं कहते मैं ये सुनने की कोशिश करता हूँ तो कुदरती मेरा ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। अरे वो तो सही योग अपना आप आएगा, तो कहते बैठा ना मेरा ऐसे ऐसे होता है, तो मैं जानता हूँ इसकी टाइम तो भी है नहीं, इसको ज्ञान देना चाहिए पूरा, इसमें उड़ जाती है रुक जाए ज्ञान ही खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान दे दे पाती है सब, और ज्ञान की लिमिट ये है कि फिर आपको कोई तरह की विचार नहीं है, जो आप ज्ञान दे दिया समझिया तो ज्ञान से क्या होगा पता चल गया, ये ऐसे है ये ऐसे है, जो साधन करेगा तो उसमें पता है आपको, तो आपको विचार नहीं आएंगे, और विचार आते हैं तो इसका मतलब कमी रहेगी आप योग सहजयोग साधन नहीं आप आई ना समझे, तो सहजयोगी है जो काम सहज हो जाता है। अब जैसे समझो सुबह की टाइम मैं रोज़ की बात करता हूँ, कमला जी सुबह उठती आधा आदत गाड़ी में जाना होता था और घर में जाती थी फिर बाद दूसरे काम में लग जाता था, वही छत दब जाती थी, तो सोचा पहले साफ होकर चलो तो ठीक है, जिसे नहीं होती साफ तो दो एक दो दिन के बाद तो सब मौसम आते इकट्ठी इकट्ठी हो जाती और वो स्टूल रह सकते हो जाता, स्टूल आता नहीं था, तो इससे सोचा करियर करना है, तो ये न करियर होता था चुन ले लिया ये लिया चट्टा ले लिया और वो प्राकृतिक जो डाइजेस्ट था उसको बिगाड़ गया बिगाड़ दिया। अब अभी इसके आज बढ़िया आएगा थोड़ी देर रहेगी थोड़ा हलेगी और हलने के बाद इंतजार करती रहेगी और वो गणेश पूजा कर लेगी ना जब उस बैठेगी बैठ नहीं सकते, ये आदत बना दी आप समझे न, और ये सेहत का मामला है कि प्राकृतिक तरीके से हजम हो जाएगा और जब हाजत होती है उस दोबारा हाजत होने जाओगे तो फिर दोबारा हाजत नहीं होगी, हाजत होती है जब उसका और निकल नहीं होता है तो वो चक्कर लगाता है हटका था बलबूत्र और वो नहीं निकलेगा फिर भूल जाओगे फिर दब जाएंगे ऐसी बात। तो अब ये इसके लिए कई देर इंतजार करती है और जो सहज केंद्र होता है वो ठीक है गड़बड़ अभी पेट में आते मेरी आदत हो जाए तो पड़ जाता साफ हो जाता, वो ये करें अब निकल जाए अभी जाए कर जाए जब निकल जाए ठीक है, अब गाय में साथ उगाड़ती जाती है पत्थर पत्थर गिरती जाती सहज आता सहज निकल जाता। तो ये पूरा रोज ही मिसाल देता हूँ, ऐसे कहते हैं गणेश पूजा इसे गणेश कभी और पूजा से करो गणेश पूजा नहीं करोगे तो कोई पूजा नहीं, ये सबसे पहली पता इसकी पूजा और गणेश की भाषा गोदाम है, सैन में बात क्या गया गोदाम क्या रहता है मलमूत्र है वहाँ पर है, तो गणेश पूजा का मतलब है कि वो साफ हो जाए पेट। अब ये कोशिश करिए निकालते हैं ना वो कोशिश मतलब तकलीफ हर काम है आदत बनानी पड़ती है, वो पड़ती बाद बनी रहे तो ठीक है नहीं बढ़ेगी खोया जाएगा मामला तो फिर कुछ और खाना पड़ेगा, तो आदमी का हाजमा बिगड़ जाता है और हाजमा बिगड़ गया सब कुछ बिगड़ गया, तो लोग आज सब हाजमा बिगड़ा हुआ है, अभी कोई आदमी हो सकता है एक दूसरे का ठीक हो भाई सब मैं भी समझ सब समझ हमारा हाजमा बिगड़ा हुआ है क्योंकि हमने अप्राकृतिक काम करें तो प्राकृतिक होता कुदरती तो ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ खाती नहीं बेचारी कोई घास फूस खाती है वो चलता रहता है और उनको कभी कभी बंद पड़ जाता है जो खा लिया वो चीज़ उगाड़ी नहीं गई उगाड़ी नहीं गई इकट्ठा हो गया कूड़ा कर तो बंद हो जाता है फूट जाती है, तो उसके लिए डॉक्टर बुलाते हैं वो दवाई दूध देता है जिससे वो गोबर निकलेगा और फिर वो सहना है ठीक है न। तो सहज ही सहज का मामला है, ये ज्ञान सहज का है अपना आप आता है, ताकत लगानी जरूरत अंदर ही तो है घटी में सूरत है घटी में जवान, अरे घटी में तो सूरत है घटी के अंदर वो धार है शब्द है वो तत्व है परमात्मा तत्व तो इसके अंदर है, अगर परमात्मा है तो ये वो है ही तो इसके अंदर परमात्मा इसके अंदर है और उसका अनुभव भी सहज है, ये इतना करने की जरूरत है आगे समझ मेरे ख्याल इतना काफ़ी होगा, इसे सहजयोग कहा गया ठीक है ना।